नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान BHTC एग्जाम 2024 की जो फाइनल आंसर की है उस रिज़ल्ट के बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है कि लोग इसके अभाव से है जो कि कितने नंबर पर काउंसलिंग कराए, कितने नंबर पर नहीं कराए, जनरल OBC और ST SC जो EWC MBC कहीं पर या जो कि जिनको कॉलेज मिलने के कम चांस है वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के विशेष के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फाइनल आंसर की रिज़ल्ट किया जो कि जल्दी जारी की जाएगी, यानी 22 जुलाई तक लास्ट है जो कि आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट की बात इस जनवरी के महीने या इस जुलाई के महीने के आगे अंतिम सप्ताह होगा उसके अंदर इस आंसर की को जारी कर दी जाएगी। तो रिजल्ट है। दूसरी बात है पाँच जो जाति है जो कि कट ऑफ के लिए बहुत ही उलझन में रहती है, इसलिए फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बारे में आज हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों जब BHTC एग्ज़ाम 30 जून को ख़त्म हुआ तो पहले सभी लोगों के ऐसे इतने नंबर बन रहे थे, 370 नंबर बन रहे थे, 370 पर काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो दोस्तों बात करेंगे हम BHTC के अंदर जिसके भी 300 से ऊपर नंबर बन रहे हैं PTT के अंदर तो वो ज़रूर काउंसलिंग कराए, और यदि कोई संस्कर्ष से जो काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको भी ज़रूरी है कि राजस्थान BHTC 2024 के अंदर अपनी काउंसलिंग करवाए। तो फाइनल आंसर के ऊपर कितने नंबर पर काउंसलिंग कराएं, तो दोस्तों यदि आपके MBC से हैं तो यदि 2017 में देखो यह सूचना दी गई है कि PDDLT की उत्तर कुंजिका जारी 7 जुलाई तक दर्ज होगी आपत्तियाँ, यानी कि 7 जुलाई तक है जो कि आपत्तियाँ दर्ज हो जाएगी, यानी जब तक आप आपत्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है क्योंकि नोटिफिकेशन भी आंसर की ऑब्जेक्शन ऑर्डर भी इसके अंदर कोटा यूनिवर्सिटी से डाल रखा है, लेकिन अब तो अंतिम तिथि थी ऑब्जेक्शन की वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे BHTC के अंदर कितने छात्रों को ऐसे हैं जो कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों 25 से 30 तारीख तक है जो कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा इस जुलाई के महीने में। तो दोस्तों उसके बाद में यदि हम आंसर की के ऊपर नहीं फोकस नहीं करेंगे बल्कि हमारे जो रिसेट वो होगी जिसके अंदर आंसर की आएगी उससे हम पता चल जाएगा पहले लोगों के हैं जो जिन व्यक्तियों के 450 नंबर बैठ रहे थे अब उनके आंसर के आने के बाद बहुत ही कम नंबर बैठे हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे काउंसलिंग के ऊपर हम बात करते हैं कि कई बार है जो कि 300 से 3000 ज़्यादा पैसे लगेंगे, और डॉक्यूमेंट के बाद में बात करेंगे 3000 से 1300 रुपये बाद में लगेंगे यदि आपको कॉलेज मिल जाती है। तो कुल मिला के आपको 13,16 रुपये का एक साल का खर्चा होगा। तो दोस्तों यदि ये तो आपकी शुल्क है, तो इसी प्रकार ये तो एक साल की है, दूसरे साल की भी इतनी मान लो। तो दोस्तों काउंसलिंग के बाद में आप काउंसलिंग कब करवाए, तो काउंसलिंग उत्तर का सीट ABC आ गई है काउंसलिंग की बात है। तो जनरल OBC कैटेगरी के कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अपनी आपत्तियाँ को लेकर के बहुत ही दुख हो रहे हैं, क्योंकि उनकी यदि 400 से 10 के बीच में जो कि जनरल की रहेगी या जनरल की कट ऑफ होने के बाद में उसके बाद में आती है बात है। दोस्तों उसके बाद 370 प्लस है जो उनको महिला यानी फीमेल की होगी, फीमेल हो सकती है जो 370 प्लस हैं वो काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसके 378 भी बन रहे हैं वो भी काउंसलिंग करवाए। ये जिले आपको भंटे में लेकिन कॉलेज बने हुए 378 कॉलेज हैं जिनके अंदर जिले और राजस्थान आपको ज़रूर करना होगा। यदि आप अधिकतर लोग क्या होते हैं कि 5-6 कॉलेज भर के आ जाते हैं, जिनको यदि जिनके कम 402 नंबर है, जिसके 5-410 नंबर है उसको कॉलेज नहीं मिल पाती है, और 402 वालों को कॉलेज मिल जाता है क्योंकि वह ओल्ड राजस्थान करके आता है। इस वजह से दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, आपको भी ओल्ड राजस्थान करके आना होगा करने के बाद में। तो दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं 370 से ऊपर प्लस के जो PTT में जिसके नंबर वार्ड बन रहे हैं वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, जिसके भी PTT में जैसलमेर में 300 पर अधिकतर कॉलेज मिल जाती है, लेकिन ये बहुत दूर पड़ जाती है, इसलिए जो विद्यार्थी हैं जो कि इतनी दूर कॉलेज नहीं भर पाते हैं। दोस्तों इसलिए आपको ओल्ड राजस्थान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ओल्ड राजस्थान के ध्यान रखने पर ही आपको यह सूचना मिल पाएगी। ओल्ड राजस्थान यानी फॉर्म 2024 फाइनल फॉर्म हो जाएगी, तो 300 से ऊपर होने के बाद में यदि आंसर की ऑब्जेक्शन ऑर्डर तो जो कि आपने पहले दे दिया है, तो दोस्तों उसके बाद में
आपको काउंसलिंग के ऊपर, यदि आप महिला कैटेगरी से हैं तो 300 पर, यदि आप ST से हैं तो ST के, तो OBC और ST और जनरल लाइन में बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि योगी ST वालों को आरक्षण बहुत 50% आरक्षण दिया गया है, इस वजह से उनका कट ऑफ बहुत कम जाती है, 400 से 300 के बीच में। यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, मेरा मानना तो यह है। और दोस्तों, यदि आप अपने मतलब कि किसी साथी से मान लें, ऐसे मान लें कि डायट कॉलेज लेना चाहते हैं, 450+ पे आपको डायट कॉलेज मिल सकती है। तो दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज किया है, फाइनल आंसर किया है तो इस पर आपत्ति दर्ज किया है, कम से कम 21 क्वेश्चन का बोनस अंक मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, बात रही बोनस अंक की, यानी शिक्षण अभिरुचि के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जिनको मैंने देखा कि 2021, कोई ऐसे बोल रहे थे कि 2021 के अंदर है जो कि ये आंसर दे रखा था, ये नहीं दे रखा था, बल्कि मैंने आज देखा था, मैंने आज स्टडी की और देखा कि पहले जो 21 में और अब के जो आंसर है वो सेम है। और बल्कि ये तो आपको जो कई यूट्यूब वाले जो कि अलग अलग बता रहे हैं कि 2021 में आंसर अलग थे, इसमें अलग है, बल्कि वही है, मैंने आज देखा था। इसलिए तो दोस्तों, आप दूसरे यूट्यूब वालों पर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि आप उसके चक्कर में कभी खुश हो जाएं फिर आपका नंबर ही नहीं आए तो आपको यार दिल पर बहुत जोर पड़ता है। 150 ऐसी कॉलेज हैं जिनको आपको भर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में बात रही pre-DL 2024, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वॉप एंड WBP है वो, उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों, 100-200 इतनी कई सारी कॉलेज हैं, 378 कॉलेज हैं जिनमें संस्कृत विभाग में, जिनके संस्कृत में 370 से 300 तक नंबर बन रहे हैं वो अवश्य काउंसलिंग करवा। दोस्तों, महावीर कुश विश्वविद्यालय, इस बार कोटा विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम करवाई थी, इसी बाद में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपकी थी काउंसलिंग के मुद्दे पर 400 से अधिक जो जनरल OBC वाले, जो 400 से ऊपर के जिनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, जो 1, 3, 4, 2, 3 ऐसे सर इतनी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपत्ति लगाई गई है, जिन पर आपको ओनली सिर्फ हिंदी के ऐसे हैं जो आपको बोनस अंक मिल सकता है, लेकिन आप शिक्षण अभिरुचि में आपको मेरे विश्वास से तो यह है कि आपको बोनस अंक एक भी नहीं मिला, क्योंकि 2021 का और इस बार के जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। कई यूट्यूब वाले हैं जो कि अलग अलग बता रहे हैं, 490 जिसके भी 390 प्लस नंबर हैं वो काउंसलिंग जरूर करवाए, चाहे से वो OBC हो चाहे से जनरल हो। बात रही ST की, ST वालों की, ST वालों की, तो वो है जो कि अपनी काउंसलिंग 360 प्लस 355 प्लस पर है, जो कि महिला कैटेगरी से है, वो काउंसलिंग करवाए। हाँ दोस्तों, हाँ तो आप इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों, आप दूसरे यूट्यूब वालों पर विश्वास ना करें कि अपनी शिक्षण अभिरुचि में इतने सारे क्वेश्चन गलत है, इतने पर आप पता लगे तो इतने हो जाएंगे, या आप गलत फहमी में हो। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, आपत्ति लगी, लेकिन मैंने आज देखा था कि जिन किसानों में आपत्ति लगी है वो 2021 में भी वही आंसर थे, और इस बार जो आंसर माने वो भी वही है, बल्कि कई यूट्यूब वाले हैं उनके आंसर अलग अलग बता रहे हैं, तो आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें। 380 जनरल अवश्य, मेल हो चाहे फीमेल हो, अवश्य काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि पूरे चांस है कि आपको कॉलेज मिल सकेगी। हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, जनरल 380 प्लस, हाँ चाहे वो AWS हो चाहे जनरल हो, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसको। हाँ बात रही, हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़िए चैनल से जुड़िए, जिससे आप और अधिक विद्यार्थियों को शेयर कर दें, जिससे विद्यार्थी हैं जो कि अपने मतलब कि दूसरे यूट्यूब वालों के ऊपर ऐसा कर सकते हैं, इतने नंबर जुड़ेंगे इतने नहीं जुड़ेंगे, तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने 2021 का मॉडल पेपर देखा और अखबार के जो आंसर है वो देखे, वो सेम है, बल्कि कोई विद्यार्थी ऐसे में ना रहेगी नहीं है। हाँ
जी हाँ, ओबीसी, ओबीसी के अंदर हाँ 365। हाँ तीन, जिसके 365 बन रहे हैं वो ज़रूर करें, 375 भी, 300 जो ओबीसी में है जिसको 365 और 375। हाँ 50% आरक्षण, हाँ क्योंकि महिलाओं को दिया गया है। हाँ, ओबीसी 365 375। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके 365 375 बन रहे हैं जो एसटी से हैं, महिला कैटेगरी की है और एसटी और एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको ज़रूर काउंसलिंग कराना चाहिए क्योंकि उनको पूरा पूरा परसेंट है कि वो मिलेंगे। एसटी 355 360 फीमेल, कम से कम ये है, ये तो कम से कम वालों को कॉलेज मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल टेंशन ना ले, एसटी 340 प्लस महिला, हाँ ज़रूर काउंसलिंग करवाए। और संस्कृत है, संस्कृत, संस्कृत वालों के जिनकी 270 कॉलेज हैं, संस्कृत वालों के 270 प्लस, 270 प्लस जिसके भी नंबर 270 से 300 भी जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो काउंसलिंग जरूर कराए, उसको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। हाँ क्योंकि संस्कृत वालों की कॉलेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो फॉरम एग्जाम देने वाले होते हैं संस्कृत से बहुत कम होते हैं। हाँ, 370 प्लस, हाँ हाँ बिल्कुल, 370 से 300 बीच। हाँ दोस्तों, EWS की बात करें, MBC की बात करें, EWS MBC 360 366। हाँ हाँ तो आप ज़रूर काउंसलिंग करवाएं। हाँ दोस्तों, आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये अपनी काउंसलिंग की बात, 300 प्लस जिसने भी, मतलब कि 3,000 लगेंगे काउंसलिंग के फीस पहली बार, फिर यदि आपको कॉलेज मिल गई तो उसके बाद में 1,350 नहीं 13,500, यानी पूरी टोटल एक साल की 16,500 रुपये आपकी बैठी जाएगी। ये तो एक साल की है, और ये तो ओनली सिर्फ फीस है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।